ये बजाज डिस्कवर बाइक का एलॉय व्हील है और इसका जो बेयरिंग वाला सीट है ये कुछ ज़्यादा ही कट चुका है, और जब भी बेयरिंग सीट कट जाता है तो उसका जो बेयरिंग है साइड प्ले हो जाता है, लहक मारने लगता है, चक्का टाल हो जाता है दोस्तों, और उसकी वजह से गाड़ी जो है बबलिंग करेगी पीछे से। तो ये देखिए इसमें जो बेयरिंग लगता है वो 6301 बेयरिंग लगता है। मैं आपको बेयरिंग लगा के चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हम इसमें बेयरिंग लगाते हैं तो ये जो है थोड़ा इस तरीके से बाहर निकल जाता है, ऐसा हो रहा है, ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो हम मैकेनिक लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी तत्काल के लिए इसमें कोई चदरा वगैरह कटिंग करके इसके अंदर डालते हैं थोड़ा, और इसको टाइट करके लगा देते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इसका जो सेंटर है वो बीच पॉइंट पे नहीं आ पाता है और ऐसे जो है बेयरिंग टूट भी जाती है। लेकिन सबसे दोस्तों ख़ास बात आपको बता दें कि इसको सही कैसे करना है। अगर आप इसी तरीके से बार बार चदरा डाल के अगर चलाते रहेंगे तो बेयरिंग बार बार टूटता रहेगा, 100-150 रुपये खर्च होती रहेगी। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग से जो है एक स्लीप लगवाते हैं। ये लोहे का स्लीप होता है और ये स्लीप लगाने के लिए थोड़ी बहुत पहले इसको जो है कटिंग करना पड़ता है, तभी इस स्लीप को ठोका जाता है। कुछ एना बॉन्ड वगैरह भी इसमें डालते हैं और स्लीप ठोकने के बाद जो है बाद में फिर इसको भी फिनिशिंग किया जाएगा। फिर इसी के अंदर जो है ये बेयरिंग ऐसे इंस्टॉल होगी इसी के अंदर, और इस तरीके से जो है एक साइड का जो है काम इन्होंने कर चुका है, जो कि साइड इधर 62 जो है एक बेयरिंग है, छोटा बेयरिंग होता है, इधर का एक बेयरिंग जो है ये वाला लग चुका है। ये देखिए 62 बेयरिंग वाला, अब ये जो है बिल्कुल अच्छे से इसमें फिट हो पाएगी, इसे हम पूरी तरीके से टाइट कर पाएंगे, और ये टोकने के बाद ये टाइट हो जाती है और ये लैग भी नहीं मारता, और इसमें कोई भी पच्चल वगैरह या पत्ती वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रिसीव लगाने के बाद जो है ये बेयरिंग अब टाइट हो चुकी है, तो अभी इधर ठोकेंगे नहीं। ये तो काफ़ी ज़्यादा पले था इस साइड में और उस साइड का थोड़ा कम पले है, फिर भी मैं दोनों करवाऊँगा, क्योंकि अगर एक लूज रहता है तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, एक टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपका बाइक का ब्रेक शू बार बार ख़राब हो रहा है तो एक बार जो है आप मैकेनिक से चेक करवाएं, इसका जो ड्राम होता है, ये जो स्लीप होता है अंदर का, ये अगर कट गया है तो ब्रेक शू जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ब्रेक शू जल्दी यानी कम घिसने के बाद ही दोस्तों ब्रेक काम करना बंद कर देता है, तो आपको इसके लिए जो है ये स्लीप लगवाना पड़ेगा। इसमें भी इसी तरीके से स्लीप लगता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस इसके अंदर भी जो है कुछ इस तरीके से स्लीप लगता है, ये देखिए। और इसको जो है पहले ये अंदर में जो है पूरा तो अल्मोनियम है, ये रिम जो होता है ये अल्मोनियम का होता है और सिल्वर का, और फिर अंदर में जो है ऐसे लोहे का स्लीप लगाया जाता है। अब इसको लगाने के लिए पहले जो है ये लोहे का पार्ट जो है इस कटर मशीन से काटा जाएगा, इस लैथ मशीन से, उसके बाद जो है फिर इसको ठोका जाता है, और फिर ब्रेक से लगाने के लिए इसको हल्का फिनिशिंग किया जाता है, तभी यह सेट हो पाती है। तो ये काम आप करा सकते हैं, इसमें काफ़ी बचत है। अगर आप ये काम कराएंगे तो लमसम में आप समझे कि बेयरिंग और इसका स्लीप वगैरह ये सब 1000-1200 रुपये लमसम में हो जाता है। अगर आप इसके वजह से अगर पूरा रिम चेंज कराएंगे तो आपको 4000 या फिर 3800 रुपये लमसम में आपको देना पड़ जाएगा। तो आप एक बार ये काम करा के देखें किसी मैकेनिक के थ्रू। अगर आप मेरे पास ही आना चाहते हैं तो मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं कासिम मोटो हूँ, झारखंड कोटा नरेनी से हूँ, और नरेनी में कब्रिस्तान के सामने हमारा वर्कशॉप पड़ता है। और ये सब काम दोस्तों लैथ वाला खैरात वाले का होता है। ये स्लीप ठोकने से पहले जो है इसमें बॉन्ड टाइट लगाया जाता है, जो कि थोड़ा ये टाइट हो सके, जाम हो सके। वैसे तो ये खुलता नहीं है, फिर भी ये दे दिया जाता है अलग से। Thank you.
चक्का जो टाटा का वो सही हो जाएगा ना। तो देखिए लोहे का वो जो स्लीव होता है वो इसके अंदर लगा दिया गया है। अब इसको और भी जो है इस लैथ के जरिए से कटिंग किया जाएगा, कटर के जरिए से इसको कटिंग करके जो है इसके साइज का बनाया जाएगा और फिर इस बेयरिंग को इसमें ठोका जाता है। टाइट हो जाए तो और बढ़िया।